हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे, आज मैं आपके लिए न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है वेज कबाब। तो चलिए आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वेज कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए पत्ता गोभी, यह हम ले लिया है, बारीक कटी गाजर, प्याज, हरा धनिया और यहाँ पर है अदरक जो हमने कद्दूकस कर लिया है। आप इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके बच्चे खाते हैं तो आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसमें आप लाल मिर्च ऐड कर लीजिए और काली मिर्च भी ऐड करनी है आपको। तो हम इसकी जगह सोयाबीन भी ले सकते हैं, हम इसमें सोयाबीन पनीर कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पत्ता गोभी को हम इस बाउल में डालेंगे, ये सारी सब्जियों को हमने इस बाउल में डाल लेना है, सबको हमने इसमें डाल लिया है। अब हमें क्या करना है, अब जो इसमें हमने लिया है 4 बड़े चम्मच चावल का आटा, चावल का आटा भी हम इसमें डाल लेंगे। और हमने लिया है यहाँ पे 2 चम्मच बेसन, अभी हम थोड़ा बेसन ऐड करेंगे और इसको आटे की तरह अच्छे से मल लेंगे, क्योंकि सब्जियों में थोड़ा पानी होता है। अगर आपको पानी लग रहा है कम है तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो मेरी सब्जी में है पानी कम, क्योंकि मैंने सब्जी को पहले ही धो के जुड़ने के लिए रख दिया था, तो इसमें जो पानी है सारा सोख चुका है। तो देखिए ये बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, तो अब इसमें करेंगे ऐड पानी। तो देखिए हमने लिया है यहाँ पर, आप गुनगुना पानी भी यूज़ कर सकते हैं, अगर गर्मियाँ हैं तो नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसको अच्छे से, जब तक आटा ना गुन जाए तब तक इसको अच्छे से हमें मिला लेना है। ये देखिए फ्रेंड, अगर हमें इसकी गोली वगैरह बनानी है, जैसे अगर हम राउंड राउंड सर्कल बनाएंगे तो ये बन सकता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, अभी हमें थोड़ा सा इसको अच्छे से, देखिए नीचे हमारा पूरे अच्छे से आटे की तरह मेल्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये बिल्कुल आटा रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आप तेज खाते हैं थोड़ा, कोई कोई तेज खाता है, हालांकि तेज नमक खाना नहीं चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेकार होता है। और अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। अगर हम इसमें गरम मसाला ऐड कर रहे हैं तो हमें इसमें काली मिर्च पाउडर वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं है हमारे पास गरम मसाला तो हम काली मिर्च घर में ही कूट के इसमें दरदरा पीस के डाल सकते हैं। इसमें हमने ली है रेड चिली, हम थोड़ी ही लेंगे क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं ऑलमोस्ट ज़्यादा। अब हमने ली है इसमें हल्की सी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा हम इसमें हींग डाल देंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। वैसे हमने इसमें अदरक लहसुन तो ऐड करा ही हुआ है, अब हमें इसको अच्छे से मिलाना है ताकि ये सारा मसाला पूरे कबाब में लग जाए। देखिए हम पूरा अच्छे से इसको, ये इसका जो कलर है अभी कहीं से वाइट कहीं से येलो रहा है, तो ये पूरा इक्वल हो जाए तब तक हमें इसे अच्छे से गूंद लेना है। फ्रेंड्स, हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा फूड कलर, क्योंकि जो बाहर के कबाब होते हैं बाजार जैसे, और बच्चों को लगता है मम्मा बाजार जैसे बनाओ, तो आप इसमें हल्का सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इससे टेस्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड्स, कबाब का आटा जो हमने कबाब बनाने बिल्कुल रेडी है। इसको आप कोई भी शेप में बना सकते हैं, आप सर्कल भी बना सकते हैं। और हमने यहाँ पे लिया है ये आइसक्रीम स्टिक लिया है, अगर आपको ज़्यादा ही मतलब बच्चों को इम्प्रेस करना है कि खा ले बच्चा, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स है, तो हमें क्या करना है, हमने ये स्टिक अच्छे से धो ली है, हमने इस स्टिक पर ऐसे इसको राउंड राउंड चिपका लेना है। अगर चिपकती है तो चिपका लीजिए, नहीं तो आप नॉर्मल भी बना सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर स्टिक में ऐसे चिपका कर इसको, हम इसको ऐसे फ्राई भी कर सकते हैं, देखिए चिपका लिया। अब हम इसे हल्के हाथों से ऐसे निकाल लेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा, और अंदर जो इसके होल बना है उसमें से भी अच्छे से सिक जाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ रख लिया है 1 बाउल में पानी, क्योंकि ये चिपकता बहुत है जो हमने इसका ये बनाया है बैटर। अब हमें थोड़ा सा हाथ में पानी लगाना है और इसको हमें हल्का हल्का ऐसे, आप कैसे भी शेप दे सकते हो ऐसे, आप बनाकर इसको कट, थोड़ा सा कच्चा सेक कर हल्का सा उसको कट करके दोबारा भी आप फ्राई करके यूज कर सकते हैं। आप ऐसी शेप भी बना सकते हैं, या आप जैसे टिक्की की नॉर्मली शेप होती है, देखिए मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए बहुत इजीली बन रहे हैं ये देखिए, आप टिक्की की तरह से पतले पतले भी बनाकर
यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए हमने टिक्की की तरह इसको ऐसे बना लिया है। हमने इसमें थोड़ा फूड कलर डाल दिया था, इसका कलर थोड़ा ऐसा ऑरेंज ऑरेंज आ गया है। आप स्किप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको कि बनाना ही बनाना है, डालना ही डालना है कलर। तो फ्रेंड्स देखिए हमने कुछ कैसे डिजाइन के ये हमने लंबे लंबे कर लिए हैं, थोड़े कैसे भी अभी हमने टिक्की की तरह कर लिया। अब हम मेरा मेन है इसको हमें डीप फ्राई करना है, तेज वाली तो तेज गैस, बिल्कुल तेज गर्म हो जाएगा तेल और फिर हमें सिम करके इसको अच्छे से फ्राई करना। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा तेल अच्छे से, हमने थोड़ी सी प्याज डाल के देखिए बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हल्के हल्के हाथों से आराम आराम से उठाकर इसको फ्राई करने के लिए रख देना है। जितने भी आपकी कढ़ाई में आराम से आ जाए, ये ना हो कि मतलब बहुत सारे हो जाए और फिर टूट जाते हैं आपस में और चिपक भी जाते हैं। इसको हमें हल्का सा साइड कर देना है और इसको हमें हल्के हल्के हाथों से साइड करके जगह बनानी है और तो हमें इसको फ्राई करना है अच्छे से। फ्रेंड्स अब हमें 2 सेकेंड हो चुके हैं डाले हुए, अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से पलट देंगे। दोनों तरफ से हमें इसे इक्वल ही ब्राउन कलर देना है ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत टेस्टी, क्योंकि इसमें हमने चावल का आटा डाला है। चावल का आटा हमेशा चीज़ को क्रिस्पी ही बनाता है। आप हमेशा, ये सीक्रेट है, हमेशा कोई भी पकोड़े हो हल्का सा 2-4 चम्मच चावल का आटा डालें तो आपके पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनेंगे, कुरकुरे बनेंगे। देखिए फ्रेंड्स खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि इसमें पत्ता गोभी डाली है। पत्ता गोभी की जो है खुशबू अपने आप में बहुत ही अच्छी टेस्टी खुशबू होती है। देखिए अब हमने इसको थोड़ा, ये ब्राउन हो चुका है, सबको इक्वल ब्राउन करना है ताकि ये क्रिस्पी रहे। देखिए मैंने इसमें कलर डाल दिया था तो इसका कलर बहुत ही लाजवाब आ रहा है। आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, वैसे मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं ये फूड कलर्स होते हैं जो, इससे क्या होता है बच्चों को थोड़ा टेस्टी लगता है और भी, और मार्केट जैसे ही फीलिंग आती है उनको कि मम्मा हाँ ये तो मार्केट जैसा है और हम चाहे घर में बहुत ही अच्छा बना लेंगे बट मम्मा कुछ तो कमी लग रही है, बाहर का ज़्यादा अच्छा होता है ऐसे ही बोलते हैं बच्चे। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा फूड कलर डाल दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे लाजवाब कबाब रेडी हैं, वेज कबाब, कितने ये क्रिस्पी बने हैं ये देखिए, बहुत ही टेस्टी। आप ये केचप के साथ, ये मैंने मोमोज की चटनी बनाई है, इसकी भी रेसिपी जो है मेरे लिंक पे जाइए खाना संडे, उस पर आपको मिल जाएगी। और आप ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और घर में बनाएं और ज़रूर मुझे बताएं कि कैसी लगी मेरी रेसिपी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।